हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम माइनक्राफ्ट को सिंपल वे में उसके लॉजिक बता के रोस्ट करने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि माइनक्राफ्ट एक डब्बे जैसा गेम है और इसमें चांद डब्बा, सूरज डब्बा, सब कुछ डब्बा ही डब्बा है और इसके डब्बे जैसे लॉजिक ही इसको एक यूनिक गेम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा लॉजिक है माइनक्राफ्ट का पानी। हम इस पानी को गेट के और स्लैब लगा देते हैं तो आगे पानी आगे नहीं आएगा, पर इसमें भी हाफ ब्लॉक की जगह है, ये नीचे आना चाहे तो आ सकता है पर नहीं, इसको आगे ही नहीं आना। तो आगे है माइनक्राफ्ट का सीड। तो ये सीड सैंड को भी तोड़ देता है और एनविल इसके ऊपर गिराए तो ये भी टूट जाते हैं, पर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कूद दें पर ये सीट टूट जाता है। ये कैसा लॉजिक हुआ। और आगे बारी आती है इस टॉर्च की। ये टॉर्च कितने भी बारिश हो फिर भी नहीं बुझती और ये टॉर्च सैंड को भी तोड़ देती है और एनविल को भी तोड़ देती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये एंडर ड्रैगन के एग को भी तोड़ सकती है। ये इतनी खतरनाक वाली टॉर्च है और इनका तो कुछ कहना ही नहीं। इनको सीधी लगाएं तो ये एनविल को नहीं तोड़ पाती और इसको टेडी लगा दें तो ये सब एनविल को तोड़ देती है। वाह क्या बात है। तो इससे अगला लॉजिक है नेदरराइट के बारे में। हम कुछ टूल को या किसी और चीज़ को लावा में गिरेंगे तो वो जल जाता है, पर नेदरराइट को हम लावा में गिरेंगे तो वो नहीं जलेगा, वो तय के ऊपर आ जाएगा। और हम उसी नेदरराइट को एक कैक्टस में गिरेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि ये कैक्टस हो नेदरराइट को खा गया हो।